चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट दो सम है एक्सरसाइज के, वो पहले कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.2 का सम नंबर है ये। आप बोलोगे सर 15 एंड 16, शांति से समझोगे तो ये कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का सम है जो मिक्स दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है वो शांति से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ इंफॉर्मेशन है NP2। क्या दिया हुआ है बच्चा? NP2। तो आप बोलोगे सर ये NP2 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपको वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे NP2 है तो हम लिख सकते हैं N N-1, और यहाँ पे लिखोगे N N-1, और यहाँ पे लिखोगे 2 × 1 = 84। पहले ये स्टेप आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर ये स्टेप हमें क्लियर हो गया, तो बच्चा अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिया, और नीचे यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और 2 नीचे भी होगा। तो अब 2 तो हो गया, तो यहाँ पे 2n n-1, यहाँ पे n, आप बोलोगे सर ये जो होगा n n-1 = 84। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 2 को हम सामने ले जाएंगे, 2 को मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे, तो 84 × 2 करेंगे तो 168। तो आप बोलोगे सर ये देखो शांति से 2n दिया है। तो आप बोलोगे शांति से समझना बच्चा, ये मैं x से बोलूं x + 3x तो कितना हो जाएगा, x + x तो 4x। तो आप बोलोगे सर सेम वे यहाँ पे भी 5x + x दिया हुआ है तो 6x, और यहाँ पे देखना 1 और ये 2, तो ऐसे ही दिया हुआ है। यहाँ समझ लो ये 2x है तो 2x + x, तो आप 3x बोलोगे। ये पूरा स्टेप है, आप सिंप्लीफाई मत करो, इतने स्टेप को समझ रहे हो, फोकस करो तो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये देखो 3n - n-1। जैसे ये स्टेप क्लियर होता है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे n था, तो मतलब ये 2n + n, तो हो जाएगा 3n × n-1। जैसे n-1 लिखा और यहाँ पे 168 डिवाइड बाय 3 किया, जैसे 3 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 56। तो आप बोलोगे सर ये जो है स्टेप में अभी ये क्लियर करो, 56 के ऐसे पार्ट करो कि जिसके मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर से हो। तो आप बोलोगे 8 एंड आप बोलोगे 8 - 1 = 56, तो n = आप बोलोगे 8, कितना होगा बच्चा 8 × 7, तो आप बोलोगे 56। सर हो गया टैली, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना है इसका ये स्टेप जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मास्टर स्टेप, जो 2 पहले सामने गया, पहले ये क्लियर कर दो जो लिखा हमने, और यहाँ पे 2n एंड ये n है, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो वो ध्यान में रखना है, आगे नहीं जाना है, मल्टीप्लाई बहुत लंबा हो जाएगा, उससे अच्छा है शॉर्ट में ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? ये आपको समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करना बच्चा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो सम है वो 16 नंबर का, जो ये सम है वो बेसिकली ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, NPR / NCR = 24। इसमें कुछ पूछना है बच्चा आपको? तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कुछ पूछने जैसा है ही नहीं, सिंपल है। तो आप बोलोगे क्लियर सर? तो जैसे ही क्लियर होता है बच्चा, तो मैं ये लिख सकता हूँ NPR, तो NPR ही रहा, लेकिन NCR सर ने एक फॉर्मूला सिखाई थी, NPR / आप बोलोगे R·(r·)=24। यहां समझ में आना चाहिए, ये स्टेप बहुत ही अच्छा है। तो आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, तो यहां पे हमने लिख दिया NPR और यहां पे R·(r·)=24। ये दोनों कट हो गए, तो R·(r·)=24। तो आप बोलोगे ये सर किसका फैक्टोरियल हो सकता है? फैक्टोरियल मतलब आप बोलोगे 4 × 3 × 2 × 1, तो आप बोलोगे ये सर हो गया 4 फैक्टोरियल, तो R = 4। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हो गया, और इसके साथ एक्सरसाइज भी ऐसे हो जाएगा कि ये खत्म हो जाएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, इसके बाद हम आगे जाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे मिलेंगे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ। बहुत ही सिंपल पॉइंट था, लेकिन बहुत स्टूडेंट को ये पॉइंट टफ पड़ता है, जिसमें ये जिसको कंसेप्ट क्लियर हो उनके लिए ये टफ नहीं है, खाली मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ।